Hello students, I am Lata Thapliyal, your physical education teacher. So today students, I am going to teach you class 11th chapter physical fitness and lifestyle. Right, learning objectives of this chapter is meaning of physical fitness, meaning of wellness, importance of physical fitness and wellness, and meaning of lifestyle. So firstly students, we will discuss about the correct meaning of physical fitness. Different people have different point of view regarding the physical fitness. For a common man, a good physique is a symbol of physical fitness. If we talk about the doctor, for a doctor, proper functioning of physiological system is a symbol of physical fitness. But according to WHO, when a person do his physical activities or daily routine work under the condition of fatigue, and he has more power to do extra work with quick recovery, that is the proper definition of physical fitness. So students, physical fitness mein agar hum baat kare to daily, agar hum day to day work kar rahe hain, uske baad bhi agar koi emergency work hum karte hain aur uske baad hum jo recovery rest aur recovery level hai wo hum quick recover kar lete hain, to usi ko hum physical fitness kahenge. Theek hai, iske baad hai meaning of wellness. Wellness involves a healthy body, mind and spirit, right? So mental wellness, emotional wellness, social wellness and environmental wellness, ye sare include hote hain hamare wellness level mein, right? After that, importance of physical fitness. Hamari life mein physical fitness ki kya importance hai, agar hum dekhe to sabse pehle reducing the risk of heart and lung disease. Students, agar hum physical activity karte hain proper, hum ek रूटीन वर्क में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे जो हार्ट के डिजीजेज हैं और जो लंग्स के डिजीजेज हैं उन पे हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं. अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना डाइट वगैरह चेंज करके, हम अपना प्रॉपर तरीके से जो हमारा हार्ट और लंग्स का जो रिस्क होता है डिजीज का, उसको हम प्रॉपर कम कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस की, इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर एंड अपीयरेंस. हम सब चाहते हैं हमारी बॉडी परफेक्ट रहे, हम सब चाहते हैं कि हम हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ना जमे, तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान देना. अगर हम फिजिकल फिट रहेंगे तो हम हमारी जो बॉडी है उसका पोस्चर और अपीरेंस को भी अच्छा कर सकते हैं, राइट? इसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड. स्टूडेंट, अगर हम देखें कि हम प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं जब भी और हम अच्छे लगते हैं, तो हमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आने लग जाता है टूवर्ड्स फैमिली मेंबर, टूवर्ड योर फ्रेंड, टूवर्ड योर सोसाइटी, राइट? सो फिजिकल फिटनेस का जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है. अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो हमारे सारे के सारे काम जो है वो इजिली वर्क करेंगे, राइट? डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंजुरी. फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये रिस्क ऑफ इंजुरीज. हमारी बॉडी फिट रहेगी तो इंजुरीज के चांसेस भी कम रहेंगे. बॉडी वेट हमारा कंट्रोल में रहेगा तो जो इंजुरीज के चांसेस है वो भी बहुत कम होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइफस्टाइल इज अ लिविंग ऑफ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड. हमारी जो जिस हिसाब से हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, हमारी लाइफ का मैनर क्या है और हम अपनी लाइफ को कितना डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल, राइट? आफ्टर दैट, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, मतलब अगर हम पर्टिकुलर देखते हैं कि कोई भी एथलीट है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो फिजिकली फिट है, तो हम उसमें कुछ कंपोनेंट्स चेक करेंगे. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जो कि स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंडोरेंस, फ्लेक्सीबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू ओवरकम द रेसिस्टेंस. हमारी जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारी मसल की वो एबिलिटी जो किसी भी रेसिस्टेंस को ओवरकम कर पाए, राइट? सो स्ट्रेंथ, देयर आर फर्दर डिवाइड स्ट्रेंथ इन टू पार्ट्स, डायनेमिक एंड स्टैटिक. डायनेमिक स्ट्रेंथ वो होती है जो कि विजिबल होती है. हम पुलअप कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दैट इज डायनेमिक स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट स्टैटिक, जो कि विजिबल नहीं है. कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गेम खेल रहे हैं, जिसमें हमारी जो लेंथ है वो सेम है,
जिसमें हमारी जो विजिबल नहीं है, जो मूवमेंट प्रॉपर विजिबल नहीं है, दैट इज स्टैटिक स्ट्रेंथ. नाउ इन डायनेमिक स्ट्रेंथ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ. फर्स्ट इज मैक्सिमम, सेकेंड एक्सप्लोजिव, थर्ड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. राइट, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन वन मूवमेंट, राइट, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ. जिसमें हम कोई भी काम करते हैं जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए होता है और हम उसमें अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वो होती है एबिलिटी टू ओवरकम हाई स्पीड. बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, स्पीडी मूवमेंट, राइट. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिसमें हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारी स्ट्रेंथ भी लग रही है और हमारी जो स्पीड है वो भी लग रही है. तो स्पीड और स्ट्रेंथ का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, राइट. एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैक्सिमम का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का हम एग्जाम्पल लें तो जैवलिन थ्रो हो गया आपका, शॉर्ट पुट हो गया आपका, वेट लिफ्टिंग हो गई, ये सारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की आपकी आपका एग्जाम्पल्स हैं. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या है, जिसमें हमारी स्पीड भी लग रही है और स्ट्रेंथ भी लग रही है, वो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है. आफ्टर दैट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. स्ट्रेंथ हमने बात की मसल पावर की, राइट, और एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस जो लंबे टाइम के, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम कोई भी काम करते हैं विद स्ट्रेंथ, दैट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, राइट. तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी इज नोन एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट स्पीड. स्पीड इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर इन मिनिमम टाइम. सो स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. कोई भी स्पीडी मूवमेंट करना है, फिजिकल फिट होना हमें बहुत ज़रूरी है. अगर हम फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो हम कोई भी स्पीडी मूवमेंट है उसको हम प्रॉपर स्पीडी नहीं बना पाएंगे, राइट. तो स्पीडी मूवमेंट आपका फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, स्पीड. आफ्टर दैट एंड्योरेंस. फ्रेंड्स, एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस वो होता है जिसमें हम लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक. व्हेन अ पर्सन डू हिज वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक विद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एंड्योरेंस, राइट. आफ्टर दैट फ्लेक्सीबिलिटी इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स. हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक पहुँचती है, दैट इज फ्लेक्सीबिलिटी. आप लोग देखते होंगे, जिमनास्टिक देखते होंगे, एरोबिक्स देखते होंगे आप लोग, उन लोगों में बहुत अच्छी फ्लेक्सीबिलिटी होती है. तो जिससे वो अपने जो मूवमेंट होते हैं, वो उनकी मूवमेंट जो होती है वो बिल्कुल विजिबल होती है और क्लियर होती है. तो फ्लेक्सीबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. आफ्टर दैट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कौन सी होती है, जो सारी हमने फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स पढ़े इनको हम कंबाइन कर देते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है. कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस रिलेटेड है हमारे हार्ट से, हार्ट की मसल से और हमारे वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, राइट. इसके बाद है मस्कुलर स्ट्रेंथ से, जो कि हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है उससे. इसके बाद मस्कुलर एंड्योरेंस मैंने आपको बताया, जो कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई भी काम करते हैं बिना थके अंडर द कंडीशन ऑफ फटीक. आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. कार्डियोवैस्कुलर और कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन एरोबिक एक्सरसाइजेस. स्टूडेंट्स, एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती है जिसमें हम जो विद ऑक्सीजन, जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग कोई भी काम करते हैं. सपोज करो हम 1500 मीटर रेस कर रहे हैं या मैराथन जा रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, ये सारी हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें हम ऑक्सीजन इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं. एन एरोबिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो कि लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे स्पीडी मूवमेंट्स होते हैं जिनमें हमें स्पीड के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है, राइट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की, तो ये वो एंड्योरेंस होता है हमारे जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो कि हार्ट का है, जो कि लंग्स का है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं, ये सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं वो लंबे टाइम के लिए काम करें बिना थके, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस. आफ्टर दैट मस्कुलर स्ट्रेंथ.
Muscular strength is also an important component of health-related physical fitness. It is the amount of force the muscle or a group of muscle can erect against resistance. Right? Muscular strength, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वो strength जो हमारी muscles easily कोई भी जो resistance है उसको easily हम लोग pull कर लेते हैं, that is muscular strength. अगर हम muscular strength की बात करें students, तो इसमें वेट लिफ्टिंग भी हम कर सकते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, 5 or 10 seconds के लिए है, और जिसमें हम अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, दैट इज मसल मस्कुलर स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट मस्कुलर एंडोरेंस. मस्कुलर एंडोरेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. मस्कुलर एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल or a group of muscle to perform repeated muscular contraction. Like हम कोई भी exercise कर रहे हैं जिसमें हम बार बार जो repetition है, number of repetition है, उनको हम बढ़ा रहे हैं, और हमारी जो muscle है वो भी इसमें जो कि repeated movement हम कर रहे हैं वो easily कर पा रही है, that is muscular endurance. क्योंकि endurance मैंने आपको बताया लंबे time तक काम करना, और muscular muscles के through जो भी हम काम कर रहे हैं और जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है उसको हम बढ़ा रहे हैं. सपोज करो आप पुलअप्स कर रहे हो, आप पुशअप्स कर रहे हो, आप स्क्वाट्स कर रहे हो, आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो, ये सारी हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, और नंबर ऑफ रिपीटेशन हम इसमें बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, दैट इज एंडोरेंस. और जो मसल्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं, दैट इज मस्कुलर एंडोरेंस. आफ्टर दैट फ्लेक्सीबिलिटी. और मैंने आपको बताया रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट होता है, इट मीन्स द रेंज ऑफ मूवमेंट अवेलेबल इन अ ज्वाइंट. It is affected by muscle length, joint structure, tendons, ligaments, cartilage and so many factors, right? So students, ये सारे जो हमारे components हैं health related physical fitness के, ये बहुत ही important है हमारी fitness को continue करने के लिए, right?